बताया जा रहा है कि नौकरी की परेशानी के चलते उसने एक कदम उठाया। सूत्रों की माने तो सुसाइड लेटर में खुदकुशी की वजह एजुकेशनल लोन और टीवी वाले भी ना मरे क्या क्या न्यूज दिखाते रहते हैं। क्या भाई गलत क्या दिखा रहे हैं? यही तो हो रहा है भाई। बाप ने कहा होगा कि भाई अच्छी सी नौकरी ढूंढ के दिखाओ। डोंडे ने कहा नहीं, हम तो आपको सुसाइड सुसाइड खेल के दिखाएंगे। ये जनरेशन आजकल की। सही बात है, आपकी जनरेशन में तो जैसे पापा सारे महाराणा प्रताप बसते थे ना जी। क्या जनरेशन बसते थे और सारे के सारे हल्दी घाटी जीत के लाते थे। तुमसे हल्दी की गांठ तो जीती नहीं जाएगी। ढंग की नौकरी ढूंढ नहीं पा रहे हो, बात बड़ी बड़ी। क्या मतलब ढंग की नौकरी? मैं क्या बैल चराने जाता हूँ पापा रोज? कितनी सैलरी तुम्हारी? 13,000। क्या करूँ इसका, शहद लगा के चाटू? एजुकेशन लोन जो लिया था उसकी EMI कितनी चुका पा रहे हो इससे? बात करते हैं। GDP ना 3.8 पे पहुंच चुकी है। मैं अकेला नहीं हूँ जिसके पास ढंग की नौकरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक बार मेरा स्टार्टअप शुरू करा दीजिए, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं मतलब क्या है? अरे भाई बकरी तो पाली नहीं जा रही है और हाथी पालने की बात कर रहे हो। देखो शर्मा जी के बेटे को देखो। हाँ, शर्मा जी है? और गजब का पैकेज है उसका। तो पापा शर्मा जी के बेटे को ही गोद ले लो ना, वैसे भी उसकी मम्मी को ये वरीब नजरों से देखते हो। नाश्ता तो कर लेने दो बेचारे को, क्या लेके बैठ गए सुबह सुबह। नहीं बढ़िया है, ये नाश्ता करता रहे तो दुनिया चांद पे जाती रहे। बहुत बढ़िया।